फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों रात को जो ही 12 बजती है, नई साल लगती है, तो यहाँ पर सारा कुछ से कॉमन के द्वारा होता है। जैसे हमारे गांव में नगर पालिका होती है, उसके द्वारा ये आतिशबाजी या फटाके वगैरह छोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर सारा कुछ सरकार के अंदर आता है। तो दोस्तों, आज मैं हमारे पास में एक सिटी है, मैं वहां पे आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इटली में न्यू ईयर कैसे मनाते हैं लोग, और यहाँ पे नाइट का जो व्यू होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और विंसी, और तो मैं नहीं चाहता कि रात को 1-2 बज जाएंगे तो वो जाएगी, तो ये घर पे ही है सारे, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आज का व्यू देखने चलता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोग न्यू ईयर कैसे मनाते हैं, और यहाँ की रात को लाइटिंग वगैरह और बहुत ही ज्यादा मस्त होती है। तो आइए आपको हमारी नाइट की सिटी दिखाते हैं इटली की एक, और आइए हम आपके साथ ब्लॉग में सुनते हैं। ये है फ्रेंड्स टनल, और ये रात को पूरी तरह से लाइटें लगी होती है इसके, और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। आधा घंटा कम से कम घूमने के बाद हमें पार्किंग फिर भी नहीं मिली, और ये आप बोल सकते हैं कि अनली गली गाड़ी लगाई है, बहुत होगा जो देखा जाएगा जुर्माना वगैरह, क्योंकि आधा घंटा बचा है और हम नहीं चाहते कि मिस करें वो सारी चीज़ें, क्योंकि पार्किंग मिल ही नहीं रही है। बहुत ही बड़ा शहर है और इसमें समुद्र भी है पास में, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पार्किंग की, और कम से कम 25-30 मिनट हमें घूमते हुए हो गई, तो अब पार्किंग लगाई है। सारे लोग दूर दूर गांवों से आए हैं, जो पास में गांव है हमारी तरह, जैसे हम भी आए हैं, तो ये सारे लोग देख आप देख रहे हैं कि सड़कें भरी हुई हैं और सारे लोग जा रहे हैं चौक पे वहाँ का माहौल देखने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी नींद, तो मैं जा रहा हूँ कफे पीने के लिए बार में, और भाई लगता है सही जगह आए हैं, माहौल बहुत ही ज्यादा मस्त है यहाँ का। यहाँ कॉफी पीने का ले आया था, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे को कॉफी मिलेगी, यहाँ पे दारू ही दारू है। तो फ्रेंड्स, मुझे नींद सी आने लग गई थी, तो मैं आया हूँ यहाँ पे कफे पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए यहाँ पे बार में, और बार का व्यू कुछ ऐसा है अंदर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी रेट लिखी हुई है जो आप चीज लेना चाहते हैं, बियर की लगभग 5 यूरो बियर के, कफे के तो कॉफी नॉर्मल उसके 1 यूरो 1.5 यूरो लगते हैं। तो ये व्यू है अंदर बार का, और कफे देखे और फिर जाएंगे वहाँ का बार का व्यू देखने के लिए। तो बार में इतनी कफे देते हैं, और इसके इंडिया के करीबन 100 रुपये लगते हैं, और हमने कॉफी पीके और फिर जाना है बाहर, और इसको इटली में कॉफी एक्सप्रेस बोलते हैं। तो मैंने कफे पी लिया, और तो कफे पीने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बाहर, और बाहर का माहौल कुछ इस तरह है, कैसे बहुत ही ज्यादा कूल है, और हम आपको आज पूरी नाइट का नजारा दिखाएंगे, और मेरे दोस्त वहाँ पे हैं, तो मैंने कॉफी पी ली है और अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों के पास। तो मैंने बोला था कि मैं कॉफी पी के आता हूँ। ये जो भैया खड़े हैं, बोतल बातल अंदर लेने लेके जाने के लिए मना है, नहीं ले जा सकते आप बोतल बातल, ये चेक कर रहे हैं। क्या शानदार व्यू है, और कितने लोग हैं, और आधों को तो पार्किंग नहीं, आधे लोगों को तो पार्किंग नहीं मिलने के कारण नहीं आ पा रहे हैं, पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे।
फाइनली दोस्तों मैं इस चौक पे आ चुका हूँ और यहाँ का मैं आपको दिखाऊंगा व्यू। और लगभग 6-7 मिनट बाकी है अभी भी 12 बजने में से, तो आपको सारा कुछ यहाँ का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ और फिर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे पटाखे। तो फ्रेंड्स अब 1 मिनट बाकी है और अब आपको हम दिखाते हैं सारा व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये चौक है इसके ऊपर तो पटाखे नहीं छूट रहे थे, लेकिन ये पास में जो लोग हैं वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये आसपास के जो छोटे छोटे जो चौक हैं वहाँ पे यहाँ पे थोड़ी देर बाद शुरू होंगे। ये पुराना गढ़ है जहाँ पे अभी आतिशबाजी की जाएगी, सारे लोग तैयार हो। ये आप सिक्योरिटी देख रहे हैं इस। यहाँ पे अब शुरू हुई आतिशबाजी, आप देखिए ऊपर पूरा सजाया था पहले पटाखों। और ये जो सारे पटाखे दोस्तों छूट रहे हैं ये सारे एक साउंड के साथ सिस्टम जो गाना है गाने के साथ फिट किए गए हैं। जिस हिसाब से गाना चल रहा है उसी हिसाब से ये सारे पटाखे छूट रहे हैं। जैसे ही गाना फिनिश हो जाएगा ये पटाखे अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो इन दोनों का है ना वो देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और जो ये फ्रेंड्स आंखों से दिखाई दे रहा है ये अलग ही है भाई। मैं भी इटली आने के बाद ये सारा कुछ पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी ऐसा कभी प्रोग्राम नहीं देखा। तो दोस्तों सबसे मजे की बात ये है कि ये सारा प्रोग्राम है ये सारा सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, मतलब ये कॉमन के द्वारा नगर पालिका के द्वारा ये सारा कुछ प्रबंध किया जाता है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित होता है। और इसके बाद में आगे डांस का प्रोग्राम है तो हम आपको वो भी आपको दिखाएंगे कि कितने सारे लोग एक साथ डांस करते हैं, और आगे की वो पार्टी हम थोड़ी देर बाद भी दिखाएंगे। तो ये दोस्तों सामने प्रोग्राम था, तो आइए हम थोड़ा डांस प्रोग्राम में चलते हैं जो नाइट क्लब है इसमें। मैं आपको एक बार सारी डेकोरेशन दिखाता हूँ, यहाँ की डेकोरेशन देखिए आप कितना हो रही है। सारा व्यू है आप देखिए क्या शानदार यार डेकोरेट किया है इस गढ़ को, जो पुराना किला है ये। यहाँ पर भी हो सकता है कि राजा महाराजा होंगे तो उनका ये किला बनाया गया है, और इसको किस प्रकार से डेकोरेट किया है
बहुत ही देखने में लाजवाब है। तो यहाँ से इसका व्यू तो दोस्तों एक ही नंबर का है, और मैं आपको और ज़्यादा पास में जाके यहाँ का सारा नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं और क्या सिस्टम है यहाँ पे, ये साउंड वगैरह का। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ आए हैं यार। यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना डांस कर रहे हैं आराम से। हमारे शादियों में तो पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पे तो लाइटिंग की गई है, ये आप देख सकते हैं, पूरा पेड़ है एक बड़ा, पूरे पेड़ के ऊपर जो लाइटिंग की गई है। और यार भीड़ इतनी है कि चलने ही नहीं दे रही है। तो ये मेरे साथ काम करते हैं उनके दोस्त हैं, तो ये यहाँ पर ही हमको मिले थे और दोस्त बन गए। मैंने बोला कि यूट्यूब पे मेरा चैनल है, तो उन्होंने बोला आपके साथ डांस करेंगे, अभी मेरे साथ डांस कर रहे हैं। और ये अब ऊपर चढ़ चढ़ के नाच रहे हैं, तो समझ गए होंगे कि पक्के ये ऐसे ऐसे हैं। तो ये हमारे भाई लोग जो अब खुले हैं थोड़े थोड़े। भाई छा गया भाई, आज तो देख रहे हैं हमारे लोग तो दूर से ही पता नहीं चल सकते।
फ्रेंड्स प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन यार बहुत लेट हो चुकी है और लोग भी अब जाने लगे हैं। तो आप देख रहे हैं रात के करीबन 3 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा यार लेट हो गई, अब चलते हैं क्योंकि सुबह उठा नहीं जाएगा, फिर वीडियो एडिटिंग भी करना है और वापस यूट्यूब पे डालना है। तो आइए चलते हैं हमारी गाड़ी की तरफ और आगे का देख। नहीं दोस्तों, हम बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर। तो फ्रेंड्स अभी सुबह हो चुकी है और रात को बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, आप मेरे यहाँ के देख सकते हो कि लाल लाल है दीदी, क्योंकि रात को 4 बज चुके थे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।